तो जी हाँ ये स्टॉक है सी बहुत ही इसमें लंबी गिरावट हो गई है अब सबको जितने इन्वेस्टर्स ट्रेडर ऊपर ट्रैप हुए या नीचे सबको एक ही उम्मीद है कि एक शेयर कब बाउंस बैक कर रहा है ठीक है तो हर एक पॉइंट पे नजर डालेंगे आपको लेकर चल चलता हूँ सीधे यहाँ पे एनएससी के वेबसाइट पे एनएससी की वेबसाइट पे मैं आपको लेकर आ चुका हूँ अगर बात करें पिछले दिन की कारोबार की तो थोड़ी सी हरियाली आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है यानी थोड़ी सी बढ़त यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है जीरो पॉइंट एट एट परसेंट का कितने परसेंट का जीरो पॉइंट एट एट परसेंट का हमें यहाँ पे बढ़त देखने को मिल रही है अब बात करें आगे हम यहाँ पर कुछ और डिस्कस करना चाहें तो देख सकते हो आप लोएस्ट कंपनी का लोएस्ट लेवल यहाँ पे बारह सौ तीन रुपए पचास रुपये बारह सौ तीस रुपए हाइएस्ट पॉइंट बारह सौ पंद्रह रुपए के आसपास इसने क्लोजिंग दिया क्लोजिंग ऑर्डर बुक की बात करें तो आपको एक बाइंग ऑर्डर देखने को मिल सकता है बट अगर क्वांटिटी की बात करें तो यहाँ पे क्वांटिटी सिर्फ एक देखने को मिल रही है जो कि थोड़ा सा ऐसा टाइप के स्टॉक के लिए उतना मतलब अच्छी बात नहीं है बट ये रिटेल कैटेगरी की बाइंग आपको देखने को यहाँ मिल रही है बात करें यहाँ पे वॉल्यूम और डिलीवरी इन सब का डेटा अवेलेबल नहीं रह रहा है करेंटली और रीजन ये है सीधे सीधे क्योंकि अब इसमें वॉल्यूम उतना ज्यादा हो नहीं रहा तो एनएससी भी पब्लिश नहीं कर रहा है एनएससी पब्लिश नहीं कर रहा और ऑफिशियली जब तक पब्लिश नहीं है हम कुछ भी नहीं कर सकते किसी भी डेटा के कारण बट हाँ अभी थोड़ा सा इसमें वॉल्यूम में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो रही है धीरे धीरे अब चलिए आ जाते हैं तो फंडामेंटल चेंज होने वाला जो न्यूज आया वो बहुत ही अच्छा आया हुआ है और यहाँ पर ये कंपनी को कल जो है यानी फ्राइडे के दिन या आगे भी अगर फ्राइडे के दिन इसमें नहीं इंक्रीज हो रहा गिरावट आ रही है तो पोजीशन उठाने का बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा बिकॉज यहां पे इतनी अच्छी न्यूज है और मार्केट रिएक्ट ना करे इसका मतलब आज नहीं तो वो कल मार्केट जरूर इस पर रिएक्ट करेगी रीजन क्या है गेट रिकोगनी रिकोगे जैसे हम लोग सी डी एस एल है तो सी डी एस एल में क्या होता है सिक्योरिटीज डिपोजिटरी है ये सिक्योरिटीज यहाँ पे सिक्योरिटीज को डिपोजिट किया जाता है बुलियन डिपोजिटरी मतलब यहाँ पे कमोडिटीज के चीज है जो कमोडिटीज है वो यहाँ पे uh, deep, मतलब एज ए डिपोजिटरी काम करेंगे आप देख सकते हो यहाँ पे लीडिंग डिपोजिटरी सी डी एस एल ऑन वेडनेस जैसे होली ओन्ड सब्सिडियर सी डी एस एल आई एफ सी कंपनी का नाम क्या है? है है ये ये एक uh, uh, center, आप समझ सकते हो company, मतलब as, uh, authorized, जैसे से भी हमारा है। वैसे ये काम करता है और यहां पर कमोडिटीज का एक्सचेंज होता है ठीक है तो ये बहुत ही बड़ी बात है ठीक है कि इनको authority मिल गया अब इनका जो क्लाइंट बेस है इनकम है वो सिर्फ सिक्योरिटीज में नहीं और भी अदर चीजों पर डिपेंड करेगा तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज है यहाँ पर इस शेयर के लिए साथ में शेयर होल्डर्स के लिए अब चलिए चलते हैं कुछ और चीजें यहाँ पे देख लेते हैं और आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला कम्युनिटी फॉरम में मैं आ चुका हूं और देखिए यहां पर जो है जितने भी लोग अ, अ, अब पहले इस पे बोलिस थे अब वो यहां पे मैक्सिमम बीरिस की तरफ मूव कर रहे हैं बिकॉज 33 थ्री परसेंट यहाँ पे सेलिंग आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पर 67% परसेंट ही ओनली बाइंग रिकमेंडेशन है इसका मतलब अब देखिए ये जितनी परसेंटेज यहाँ पर डाउन दिखे और कंपनी का फंडामेंटल तो चेंज हो नहीं रहा है उतना ही आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है और इन्वेस्टिंग का मौका मिलने वाला है ठीक है अब चलिए चलते हैं कुछ और आपको बता दू यहाँ पर आ, बात करें आरएसआई इंडेक्स का टेक्निकल पैटर्न पे

क्योंकि अभी ये करेंटली अपने 50 डेज का जो सॉरी uh, 20 डेज का जो ई है उसके नीचे ट्रेड कर रही है तो यहां से अगर सपोर्ट नहीं ले रही है हमें जो है डाउट था कि यहां पर सपोर्ट लेगी आपको exactly points बता दू यहां पर और उस पे मैंने आपको वीडियो बनाई थी बोला भी था कि यहाँ पर ट्रांजेक्शन थोड़ा अवॉइड कीजिएगा मुझे यहां पर सपोर्ट ले रही थी लेकिन सपोर्ट लिया नहीं और सपोर्ट ब्रेक करके नीचे आ गई अब देखिए यहां पर सपोर्ट कहाँ है आपको तो आपको अगला सपोर्ट यहां लेवल यानी एक uh, हजार के आसपास पास से पहले ग्यारह uh, सौ के आसपास सपोर्ट मिलने वाला है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ सपोर्ट जो डेटा बता रहा है पीवर्ट लेवल तो अभी दस हजार एक हजार के आसपास सपोर्ट बता रहा है ठीक है तो पीवर्ट लेवल पे मैं एक हजार के आसपास का सपोर्ट लेके चल रहा हूं पंद्रह मिनट की कैंडल देखेंगे तो आपको यहां पर थोड़ा सा कुछ क्लियर होगा वो मैं आपको बता देता हूँ तो सपोर्ट लेवल देखिए आपको ग्यारह रुपए का सपोर्ट लेवल है नीचे Uh, 1180 का मतलब यहाँ पे अगर uh, नजदीकी नजदीकी सपोर्ट की अगर बात करें डायरेक्टली आपको बता दू ग्यारह का पहला सपोर्ट दूसरा ग्यारह सौ और तीसरा ग्यारह सौ का ठीक है बात करें ऊपर के लेवल पे तो बारह सौ का रेसिस्टेंस 1288 का रेसिस्टेंस बारह सॉरी सोरी बेरासी रुपए का रेसिस्टेंस तो रेसिस्टेंस काफी दूर दूर है सपोर्ट नजदीक नजदीक है तो सपोर्ट मिलने वाला अच्छा खासा इस कंपनी को और हाँ जब ये बाउंस बैक करने के मो, मो, मोड में आएगी तब आप पकड़ नहीं पाइएगा क्योंकि तो पंद्रह पंद्रह परसेंट का अपर सर्किट लगता है इस शेयर में तो इन्वेस्टर अगर आप है तो आप अपॉर्चुनिटी थोड़ा मोड़ा ढूंढिए इधर और अगर जितना नीचे है उतना ऐड कीजिए एक ही बार सारा पैसा कभी भी कोई भी इन्वेस्टर दिमाग लगा के नहीं लगाता ठीक है बाकी जो यहाँ पे फियर इंडेक्स बढ़ रहा है फियर यहाँ पे बढ़ रहा है वो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा है बिकॉज फियर एंड ग्रीड जब फियर बढ़ता है ना तो आपको वहां पर अपॉर्चुनिटी मिलती है और जब ग्रीड बढ़ता है तो आपको वहां से आउट होना चाहिए जब लालच बढ़ जाए जब भागने लगे तब आप उसको से दूर हो जाओ जैसे देखो यहाँ पे क्या था एक्जेक्टली exactly मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो रैली आ रही थी वो ग्रीड की रैली थी ठीक है ग्रीड की रैली से क्या हुआ खतरा आ गया अब जब फियर की रैली अभी चल रही है तब आएगी फिर ग्रीड की रैली यानी फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है मिलने वाला है तो आज के लिए इतना ही मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में तब तक बाय बाय टेक केयर सब बक खैर आप अपना ख्याल रखें अपनों का ख्याल रखें